मोदी जी ने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ते हुए 19 करोड़ 73 लाख रुपए की हेराफेरी इन्होंने, 3 फोन के नंबर पे 10 लाख लोगों की आयुष्मान योजना चल रही, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में बनने वाली सड़क नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाई 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया इन्होंने। क्यों ऐसे आरोप लगाते हो? कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, कभी ललित मोदी, कभी विजय माल्या, कभी अडानी, कभी मणिपुर, कभी नोटबंदी। क्या है यार ये, क्या है? मतलब आपके हिसाब से सारे काम सरकार ने गलत किए हैं, सारे काम सरकार ने गलत किए हैं? ऐसा थोड़ी है, एक दो काम अच्छे भी किए हैं। अच्छा हमने भी सोचा था कि करेंगे। हर जाति हर धर्म का इंसान कमा के अच्छे से खा रहा है, मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला भूखा नहीं है, ना तो तब था, ना अब है, ना कभी रहेगा। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बीजेपी चल रही है, ना ना ना। देखिए मेरा मानना ये है कि बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भूख जो है हर इंसान को काम पे लगा देती है। गरीबी रेखा में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक गरीबी रेखा से ऊपर, एक गरीबी रेखा से नीचे। जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं उनमें बहुत से लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास रोजगार है वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। और गरीबी रेखा से नीचे वाले, ये तो बिल्कुल ख़त्म है, सरकार को भी पता है। तभी 5 किलो जो फ्री राशन है उसी पे उनको सेट कर दिया गया। कितनी बेरोजगारी आ गई है। जिनको खुद ज्ञान ना हो वो ज्ञान नहीं पेलते। हमारा अखंड भारत जो कि 83 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक फैला था, आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की छोटी इकाई में रह गया। हमको वो वापस चाहिए। ऐसे लोगों से सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को ही फायदा पहुंचता है। ऐसे लोगों को समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन जो इनकी बातों पर चलते हैं और हिंसा करते हैं उनको समझाया जा सकता है। लेकिन उनको समझाने के लिए किसी महान व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। आइए सुनते हैं। एक बात से सब उत्तर इसमें हो जाएगा, भारत नहीं पूरा विश्व भगवान का ही अंश है, और आप भी भगवान के अंश हो। आप अखंड भारत का नहीं, अखंड चिंतन का निर्माण करो तो सब ठीक हो जाएगा। संसार कभी अखंड नहीं हो सकता, ये परिवर्तनशील नाशवान है। अखंड वस्तु तभी होती है जब सबका एक स्वभाव हो, एक रुचि हो, एक ही उद्देश्य हो। ऐसा कभी त्रिकाल में नहीं हो सकता, भगवान के अवतार पर भी नहीं हुआ। सबका एक उद्देश्य नहीं हुआ, सबका एक स्वभाव नहीं हुआ, सबकी एक रुचि नहीं हुई, तो अखंड तो हो ही नहीं सकता। सरकार ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। सरकार ने कहा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन सरकार ने महंगाई को 2 गुना 3 गुना बढ़ा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जैसे जैसे देश की संपत्ति को प्राइवेट किया गया वैसे वैसे सरकार के पास आय का सोर्स कम हो गया। ठीक है, अब मंत्रियों की पेमेंट, नेताओं की पेमेंट, सरकारी वर्कर की पेमेंट कहाँ से? जनता से, क्योंकि सरकार के पास बची है जनता। ठीक है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, अब जो 2 करोड़ युवाओं को वादा किया था नौकरी देने का, वो क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि सरकार आपका भला करना चाहती थी। अगर सरकार उनको नौकरी देती तो उनको सैलरी देना पड़ता, तो आप महंगाई से ऐसे ही जूझ रहे हैं। जब उनको सैलरी देना पड़ता तो इधर महंगाई और बढ़ाना पड़ता। ठीक है, अब सरकार ने आपके युवाओं को नौकरी न देकर आपका ही फायदा किया, इसलिए सरकार पे आरोप न लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार आपका भला ही चाहती है। कांग्रेसियों, अरे ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा, इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंडवा। जो इंसान 20 साल पहले की बात कर रहा है, आइए देखते वो 9 साल पहले क्या बोल रहा था। इसके हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे बाबा कांग्रेसी हैं। तीन कांग्रेसी, 3 गांधियों का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सना हुआ है, वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देश की तरक्की भी हुई है, बहुत सारी चीजें। मुझे लोगों ने कहा दूसरी पार्टी में क्यों नहीं गई, मौसम और भी दूसरी पार्टियों का भी है। तो मैंने कहा अपना घर जलता है या कुछ तकलीफ होती तो हम बगल के घर में तो नहीं रहते। कौन है ये लोग? भाई ने फिल्मों वाला रोल रियल जिंदगी में भी कर दिया।
मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कितने भाई बहन? हम चार भाई बहन, दो भाई दो बहन। तुम्हारे दादाजी कितने भाई बहन? अब दादाजी हम नहीं जानते। ये भगवान क्या जुलूम है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, सोनिक चिड़िया, देश, पांच नामों से देश है अपना। किसी बंदे को मालूम नहीं होगा ये चीज। अबे साले, इतना जो ज्ञान तुमको मिला 12th तक तो ये नहीं मिला। मोदी साहब ने हमको दिया तो बेटा, आओ मेरा बाप है ना वो। तो ये जानकारी मिली कहाँ? मिली क्या, वो इंटरनेट से सब हम रिसर्च करते रहते ना, फेसबुक चलाओ, व्हाट्सएप, गूगल वूगल, ये सब जानते हो, सब चीज मिल जाएगी। इसको देखकर मैं यही कहूँगा कि मान लो अगर मैं प्रधानमंत्री होता और ऐसे चूतिया फॉलोअर्स मेरे होते तो मैं कब का पीएम की कुर्सी से उतर गया होता। ये वो नाम है जिसे सुनकर आप अपने जमीन से जुड़ने लगे। कभी किसी ने नहीं पूछा भाई कि जब एक देश एक टैक्स हो सकता है, जब एक देश एक संविधान हो सकता है, एक देश एक विधान की तरफ बढ़ा जा सकता है, तो देश एक नाम अनेक क्यों? The word India is a foreign name. दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं, संघ ने कह दिया, फलाना ढिमकाना, ये सब दिक्कत, क्योंकि जो मोदी कह दे उसका तो विरोध करना है। सही मायनों में देश के लोगों की तरक्की ही देश की तरक्की है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सही लोगों को चुनें। ये दलाल मीडिया के कहने पर मत चलें, क्योंकि इन्हें पता है ये गोदी मीडिया के नाम से फेमस हैं। अगर सरकार गिर जाएगी तो इनको कौन सुनेगा? इसीलिए सरकार का बचाव ही इनका बचाव है। ये खुला दलाली इस बात का सबूत है। आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार देते हैं आप, और अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए माफ करते हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? पहले के डाकू और लुटेरे कुछ अजीब थे, अमीरों को लूटकर गरीबों में दान कर दिया करते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल गरीबों को लूटकर और अमीरों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। समझ रहा हूँ ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अब इतने भी चूतिया नहीं हूँ। 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी सरकार में पैदा हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा अगर पिछड़ों का हिस्सा, दलितों का हिस्सा किसी ने लूटा तो योगी सरकार ने। अरे बोलने दो यार, अभी सब नॉर्मल हो जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। हो गया ना सब नॉर्मल, ऐसे ही होता है, ये राजनीति है, यहाँ ऐसे ही होता है। ए थूक के चाटने वाली मिसाल तो बहुत पुरानी हो गई, बहुत पुरानी हो गई। यहाँ तो भाई साहब अपने ही गुह में लौट गए। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। ये बात बिल्कुल सटीक है कि रेवड़ी कल्चर से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। रेवड़ी कल्चर से देश की जनता को तो फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन अपना देश कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की इस बात से पूरा का पूरा सहमत हूँ। आए हाय, नजर ना लगे तुझे। 6 बार पैसा आएगा, 12,000 रुपया, पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे और फिर 2,000 सीएम देंगे। अच्छा बाय बाय टाटा।